press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त, बहादुर और निडर महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कि कुरान में फोटो खिंचवाना, टीवी देखना, टीवी पर आना, ये सब भी हराम माना जाता है, तो फिर ये मुल्ला मौलवी तो उसका पालन ही नहीं कर रहे, खुद तो ये उल्टा काम कर रहे, फिर ये कैसे टीवी चैनल्स पर आकर बैठ जाते, तब कोई एतराज नहीं जताता। जाकिर नायक जो इतना ज्यादा शरिया को का प्रचार कर रहा है अभी पाकिस्तान में जाकर के, हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये सब समझने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही बावले हैं भाई, वो तो खुद ही फी सबीलिल्लाह और नारे तकबीर पर काटते भी रहते हैं और कटते भी रहते हैं, बलात्कार करते भी रहते हैं, करवाते भी रहते हैं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार, उस एनजीओ ने जो वुमेन राइट्स पर काम करता है, उस एनजीओ ने 15 साल का डेटा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को और यूएन को सबमिट किया है। अब आप सुनिएगा तो आपकी आंखें फट जाएंगी कि क्या डेटा उसने सबमिट किया है। VAR वार, वार जो एनजीओ है, उसने 15 साल पाकिस्तान का ये डेटा सबमिट किया है कि पाकिस्तान में मुसलमान बेटियों का बलात्कार 80% उसके खुद के पिता, अब्बा, मामा, चाचा और थोड़ा बहुत फूफा करते हैं। अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। और माएं, जब वो बार वाली जितनी भी एनजीओ की महिलाएं हैं, जब वो जब इसकी इंक्वायरी की है तो पता चला है कि कई माएं अपनी बेटियों का अबॉर्शन करवाती हैं, और जब उनको कन्विंस करते हैं डॉक्टर कि आप कोर्ट को बोलिए, आप थाने को बोलिए, तो वो डॉक्टर को बोलती हैं कि हम अपने खाविंद को जेल कैसे भेज सकते हैं, ठीक है जो हुआ सो हुआ। बताइए किस तरफ अभी इस हमारे इस डिस्कशन को सुनने वाला जो कोई भी है, वो आराम से VAR पाकिस्तान एनजीओ पर अब वो जाए और सर्च करे। अगर मैं गलत हूं तो फिर भाई मेरे नाम से जितना आपको जो करना है कर लीजिए, और अगर मैं सही हूं तो कहें, आवाज उठाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर नायक को जाकर के वहां पर अश्लीलता का नंगा नाच करने की और जरूरत क्या थी। ऑलरेडी पाकिस्तान तो कब्रिस्तान बन ही रहा है, वो तो एक कोठा और चकला है ही है पाकिस्तान इस्लामिक देश। तो सेकंड थिंग, सनाजी जी आपने याद दिलाया कि उसको वहां जाकर रायता फैलाने की क्या जरूरत है। वो जो स्टेज पर किया उसने एक दिन पहले, वो क्या था, वो मासूम सी बच्चियां ही थी ना, अनाथ आश्रम से जो आई थी, जिनको देखकर वो भाग खड़ा हुआ। वो क्यों भागा वहां से, उनको बेटियां कहने पर उसको क्यों इतराज था। देखिए ये शेमफुल एक्टिविटी जो है ना, ये वाकई में नागवार है, लेकिन सिविल सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए। मैं आपके घर जाऊंगी, आपके घर में जितने भी पुरुष हैं, वो मुझे कोई बहन के तरीके से, कोई बेटी के तरीके से, कोई बच्ची के तरीके से ही देखे, या मेरे और आपके पास अगर कोई 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 19 साल का बच्चा आएगा, तो क्योंकि हम दोनों खुद माएं हैं तो हम उसको बच्चे के नजर से ही देखेंगे हम उसको, और अगर 25 साल का आएगा तो भाई की नजर से देख लेंगे, है ना। लेकिन ये इस्लाम में नागवार नहीं है, अंजू जी, ये इस्लाम में नागवार नहीं है, ये सिविल सोसाइटी के लिए नागवार है कि ऊपर से वो बच्चियां ऑर्फन थी, यतीम खाने से आई हुई थी, यतीम खाने की बच्चियां उनको उनको ऑनर देना चाहती थी, उनको फेलिसिटेशन देना चाहती थी, उनको उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उनको महरम और गैर महरम का भूत चढ़ गया। वो क्या होता है महरम और गैर महरम, मतलब जो अपना नुतफा होता है, जो अपने नुतफे से जन्म होता है, सिर्फ हम उसी का सामना कर, अपने खानदान का नहीं, मतलब मेरे फादर ही अपनी खुद की बेटी जो होती है, सिर्फ हम उसको ही, मतलब बिना पर्दे के, या हम उसके साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, या हम उसके साथ बात कर सकते हैं, इसके अलावा जो दूसरे की बेटी होती है या अपने खानदान की भी जो बेटियां होती हैं,
हम उसके साथ रूबरू हो करके आंखों में आंखें मिला करके बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो गैर महरम हो जाती है, मतलब डीएनए मैच नहीं होता है, डीएनए मैच नहीं होता है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जो महबूबा मुफ्ती साहिबा है उनके उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके अपने चचा अपने खालाजाद चचा भी लगते चचाजाद चचा भी लगते हैं। अब वो कैसे लगते हैं, महबूबा मुफ्ती के अब्बा के कजन भाई है महबूबा मुफ्ती के हस्बैंड। बड़ा ही उलझा हुआ रिश्ता है, मतलब अपनी चाची भी हो गई, वो अपनी खुद की चाची भी हो गई, वो अपनी खुद की बहू भी हो गई, और वो अपने अब्बा की बेटी भी हुई और वो अपने अब्बा की भाभी भी हुई। बताइए, अब जैसे हमारे यहाँ मेरे मेरी माँ के जो सिबलिंग में जो भाई आते हैं, जो ब्लड भाई होते हैं, वो मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी माँ के कजन बहनों के कजन जैसे खाला के जो बेटे हैं वो मेरे घर रिश्ता भेज सकते हैं मेरे लिए। अब हमारे इस्लाम में क्या है कि अगर खाला मर जाए, मौसा मर जाए, सॉरी अगर मौसी मर जाए तो मौसा से शादी हो सकती है। अच्छा, अगर अगर फूफा जिसको आप लोग बुआ बोलते हैं, बुआ का हस्बैंड, हाँ बुआ का हस्बैंड अगर मर जाए तो बुआ से शादी हो सकती है। बुआ से शादी कौन कर सकता है? बुआ का हस्बैंड मर जाएगा तो भांजा भतीजा कोई शादी कर लेगा। अब भाई मर जाए तो भाभी से शादी हो सकती है। अब देखिए हमारे यहाँ हलाला के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ससुर को दिया जाता है। नाजिया जी, मैं एक मतलब एक्स पर ही एक क्लिप देख रही थी जिसमें कि पाकिस्तान की एक महिला किसी टीवी चैनल पर कार्यक्रम के दौरान कह रही थी कि हलाला स्पेशलिस्ट आप उस पर डालिए गूगल पे, आपको अपने आसपास कई मिल जाएंगे जो लिखा होता है हलाला स्पेशलिस्ट है। क्योंकि हाँ। गली गली में है पाकिस्तान में, गली गली में है हलाला स्पेशलिस्ट। क्यों, हमारे नेशनल न्यूज चैनल पर भी तो एक दो मौलाना साहब बैठते हैं जो हलाला एक्सपर्ट है। अब जा करके जब से माहौल हम जैसे लोगों का आ गया है, उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड से वो हलाला एक्सपर्ट हटाया है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से दो मुल्लाओं पर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और पूरे तथ्य के साथ पूरे प्रूफ के साथ मैंने केस किया है। यहां तक के 2012 में उस मुल्ला साहब ने न्यूज 18 को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, वो भी मैंने मंगवा लिया, और वो विजिटिंग कार्ड भी मैंने एनेक्सर किया है कलकत्ता हाई कोर्ट को कि ये मुल्ला साहब जो टीवी चैनल पर बैठ करके इस्लाम का प्रचार करते हैं, इमाम साहब, ये तो हलाला एक्सपर्ट रह चुके हैं। वो खुद पूरे शान और शौकत से अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखता था हलाला एक्सपर्ट। अब आप सोचिए, और हलाला के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमेशा ससुर को दिया जाता है। और हलाला क्या होता है, क्योंकि हलाला में सेक्सुअल रिलेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो अब आप समझ लीजिए कि बहू जो है वो बीवी भी हो जाती है, बीवी जो है वो अपनी अम्मा भी बन जाती है, मतलब कितना हॉचपॉच स्टोरी बन जाता है। अब इसको मैं आपको और भी पुख्तगी तरीके से बताना चाहूंगी जो लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक चीज आपसे यहाँ पे फिर ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे जाकिर नाइक ने किया, वो तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, वो इसी तरह का जहर लोगों के मन में भरता है कि ये बच्चियां जो है ये गैर महरम है या महरम है, और इसीलिए उसने फोटो नहीं खिंचवाई, मंच से भाग गया। मतलब क्या वो उनके साथ शादी का ख्वाब भी देख सकता था, क्या ऐसा था? ये जहर है, ये बहुत नागवार है, ये बहुत शॉकिंग है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इसमें आप शॉक हो रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं, आप अगर सोच रही हैं कि मैं शॉक हो जाऊंगी तो मैं क्यों शॉक हूं, मुझे तो पता है, मैं तो जानती हूं इस बात को, मैंने तो आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि मौसी मर जाए तो मेरी शादी मौसा से हो सकती है, निकाह हो सकता है, क्योंकि मैं गैर महरम हूं, मतलब मेरी मौसी के अब्बा और मेरे अब्बा एक नहीं है, तो हो सकता है। अब इसकी मैं और भी आपको, इसलिए मैंने कहा कि मैं और भी आपको रेफरेंस ऐसा दे रही हूं जो आपको आपके और देखने वाले लोगों को सही से समझ में आ जाएगा कि जो हरकत, जो इतनी गंदी हरकत, इतनी जाहिलाना हरकत
कितनी अश्लीलता वाली हरकत जो जाकिर नायक ने की है वो मेरे लिए नहीं है शॉकिंग, या मेरे लिए अश्लीलता वाली हरकत नहीं है, या इस पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के लिए अश्लीलता वाली हरकत नहीं हो सकती है, हाँ सिविलाइज सोसाइटी के लिए हो सकती है, एक पढ़े लिखे संवैधानिक मुसलमान के लिए हो सकती है, रिश्तों का बैरिकेड रखने वाले इंसान के लिए हो सकती है, लेकिन शरिया के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो बेहुदा हरकत नहीं थी। अब देखिए अल कुरान के सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 37 में कोई भी जाए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ, अल कुरान के सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 37 में जाए, एक्सप्लेन दैट द प्रॉफिट मैरिज टू ज़ैनब वाज टू अलाउ टू मैरी द वाइव्स ऑफ देयर अडॉप्टेड अडॉप्टेड चाइल्ड आफ्टर दे डिवोर्स देम। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक बच्चा, एक लड़का, मान लीजिए आप अंजुमन है, अंजू नहीं, ठीक है, मुस्लिम है, आप अंजुमन है, तो आपने एक बेटा जो है वो अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेशन करके अडॉप्ट किया है, और उसके बाद फिर वो जवान होता है, वो शादी करता है, और अनफॉर्चुनेट दोनों की बनती नहीं है, तो दोनों दोनों में डिवोर्स हो जाता है, तो आपके हस्बैंड इस्लाम के हिसाब से उस आपके बेट आपके अडॉप्टेड चाइल्ड की डिवोर्सी से शादी कर सकते हैं। और इसी के बाद हमारे इस्लाम में अडॉप्टेशन जो है वो बंद हो गया, इसी इंसिडेंट के बाद जो है हमारे इस्लाम में अडॉप्टेशन को बैन कर दिया गया कि कोई भी अब बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक मतलब खराब मैसेज जा रहा था कि बहू से शादी हो गई है, तो इसीलिए उसको ढकने के लिए इस सिलसिले को ही बंद करवा दिया गया। इसके अलावा हमारे हमारे मतलब मजहबी किताब में बहुत जगह पर ऐसी बात लिखी हुई है कि आप जिस लड़की से आप शादी करते हो वो आपसे उम्र में बहुत कम होनी चाहिए, तो आपको मतलब जिस्मानी रिश्ता करने में मजा आएगा। तो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, वेस्टर्न कल्चर में शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि मैंने जो दो बार जो मैंने फॉरेन कंट्री विजिट की है उस वहां मैंने देखा है कि भाई 50 साल का 48 साल का आदमी मुझे किड बोला है, तो मैं शॉक हो गई थी कि भाई भारत में तो मुझे एजेड वोमेन कहा जाता है, आंटी कहा जाता है, लोग मुझे कहते हैं ए मिडिल एज वोमेन, तो मुझे ऐसे करके पुकार देते हैं, लेकिन वो मुझे किड क्यों बोल रहे हैं। देन आई रियलाइज के उनको एक बार एक आदमी वहां 50 का हो जाता है तो वो 30-32 को वो लोग किड ही समझता है, क्योंकि 10 साल 15 साल का डिस्टेंस है। तो एक हमारी मैच्योरिटी में बहुत एक डेकेड का एक ईरा का फर्क आ जाता है, तो वो मैच्योरिटी लेवल को वो नापते हैं। अब सनातन धर्म में आ जाइए, आज तक मैं जितने भी मठाधीश से मिली हूँ, गुरु जी से मिली हूँ, स्वामी जी से मिली हूँ, आचार्य जी से मिली हूँ, या जितने भी मैं संत महंत से मिली हूँ, बच्चे एक ही लफ्ज, नजरें उठा करके देखना भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब भाग गए हैं, अच्छे से आशीर्वाद दिया है, प्रसाद दिया है, चुन्नी उड़ाया है, एक पिता स्वरूप, जैसे एक पिता का एक रिश्ते का बैरिकेड होता है, वो पिता स्वरूप मुझे मोहब्बत मिली है और मुझे सम्मान मिला है। लेकिन क्योंकि इस्लाम में महरम और गैर महरम है, जैसे मान लीजिए मैं आपके हस्बैंड से मिली, तो मेरे इस्लामिक हिसाब से मुझे उनसे हाथ मिला करके हैंडशेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गैर महरम हो जाते हैं और मैं उनके लिए गैर महरम हो जाती हूँ। क्या पता उनका नफ्स बहक जाए मुझे देख करके, क्या पता मेरे हाथ मिलाने से उनको उनके बदन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। तो मतलब इतनी अश्लीलता की जो सोच है ना वो है, एक्चुअली में है। तो जाकिर नायक को लगा होगा कि 10 साल की 8 साल की 12 साल की बच्चियां जो हैं वो गैर महरम है, बच्चियां नहीं है, तो वो उसी हिसाब से वो मन छोड़ करके निकल गया। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक सिविलाइज सोसाइटी के हिसाब से, एक एडुकेटेड सोसाइटी के हिसाब से, एक इलीट सोसाइटी के हिसाब से, एक मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, एक लिटरेट सोसाइटी के हिसाब से जो उसने हरकत की है, वो उसने बजाबते क्रिस्टल क्लियर तौर पर ऑर्फन बच्चियों को इंसल्ट किया है, डिफेम किया है,
और अपनी बेइज्जती बेइज्जती करने की प्रकाष्ठा की हद को पार करके वो नीचे उतर गया और उतर करके वो कह रहा है कि आपने इनको बुलाया क्यों ऊपर में, ये तो गैर महरम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।